नमस्कार दोस्तों, रंजना वेजफूड चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मी का दिन आ गया है तो आज हम बहुत ही बढ़िया ठंडाई बनाने वाले हैं, जो कि हरा पुदीना और नींबू से मिला करके हम बनाएंगे। तो आप लोग मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। तो इतना हमने लिया हुआ है हरा पुदीना, और इसके साथ में 3 नींबू लिया हुआ है, और इधर चीनी है, और ये काला नमक है। दोस्तों, गर्मियों के सीज़न में हरा पुदीना बहुत ही ज़्यादा हम फायदेमंद होता है। इसको इसकी शरबत बना करके पीने से हमारे पेट में काफ़ी ज़्यादा ठंडाई रहती है। तो सबसे पहले हमने जो चीनी लिया हुआ है, इस चीनी को हम, ये हमने पानी लिया हुआ है तो इसी पानी में डाल देते हैं। तो इधर हमारा चीनी गलता रहेगा, तब तक हम चल रहे हैं हरा पुदीना को पीस लेने। हरे पुदीने को हम सिलबट्टे पर रख करके पीस लेंगे। आप लोग चाहे तो इसको मिक्सर में भी डाल करके पीस सकते हैं। तो पुदीना को हमने पीस लिया है, अब इसको हम रख लेते हैं एक कटोरी में। और इधर चीनी भी हमारी काफ़ी अच्छे से गल चुकी है, तो अब हम इसमें बर्फ़ डाल देते हैं। हम ठंडाई बना रहे हैं तो इसमें बर्फ़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो बर्फ़ को हमने डाल दिया है। अब हम ये जो पुदीना को पीस करके लिए हुए, इसको छन्नी में डाल करके छानेंगे। इस तरीके से करके इसका रस हम गिरा लेंगे। तो हरा पुदीना को हमने डाल लिया है, अब हम नींबू को डालेंगे। दबाने के बाद अब हम इसको ऐसे बीच से काटेंगे। तो इसमें हम नींबू को निचोड़ लेंगे। तीनों नींबू को हमने निचोड़ लिया है, इतना रस निकला हुआ है तो इसको भी हम डाल देते हैं। और अब हम इसी में डालेंगे जो है काला नमक। तो अब ये हमारी ठंडाई बनकर के एकदम से तैयार हो गई है। तो अब हम शरबत को पीने के लिए निकाल लेते हैं ग्लास में। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे बर्फ़। सभी ग्लास के अंदर हमने बर्फ़ को डाल दिया है, अब इसके अंदर हम शरबत को डालेंगे। हम इसके ऊपर और इसके ऊपर हम ऐसे नींबू रख देंगे। इस तरीके से इसको सजा देंगे। कुल रेस्टोरेंट की तरह हमने ये शरबत को बनाया हुआ है, और इसको वैसे सजाया भी है। आप लोग इसी तरीके से अगर बना करके पियेंगे तो लगेगा कि हम रेस्टोरेंट में बैठ करके इस शरबत को पी रहे हैं। तो हमारा नींबू और हरा पुदीना का शरबत बन करके तैयार हो गया है। और हरा पुदीना हमारे पेट के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो हरा पुदीना और नींबू का शरबत बना करके आप लोग भी पीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और गर्मियों के दिनों में आपके पेट में हमेशा ठंडाई बनी रहेगी। और हरा पुदीना दोस्तों गर्मियों के दिन में बहुत ही अच्छे से तैयार होता है, बहुत ही अच्छे से उग जाता है। आप लोग भी ज़रूर लगाइएगा हरा पुदीना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अलग तरीके की रेसिपी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।